कैसे हो आप सब? ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाने वाले ईद स्पेशल कबाब बनाने वाले हैं हम, मटन कबाब। तो चलिए मैं आपको रेसिपी देने वाली हूँ। मैं उसमें क्या क्या ऐड करने वाली हूँ, मेरा कीमा लिया है मैंने 250 ग्राम। तो चलिए मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ क्या क्या चीज़ डालने वाली हूँ, आप भी देखिए और मेरे साथ बने रहिए। कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी चुटकी भर, 2 चुटकी हल्दी, चुटकी भर डाल दिया मैंने ब्लैक पाउडर, ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है मैंने। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ जीरा पिसा हुआ और भून लिया है मैंने, थोड़ा सा ऐड कर दिया है मैंने इसमें गरम मसाला, और 1/2 चम्मच ऐड कर दिया है मैंने इसमें चाट मसाला। थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ हरा धनिया और लाल मिर्च, मैंने एक चॉप कर ली है सूखी। ये चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ प्याज, मैंने ऐड कर दी है इसमें प्याज एक चॉप कर लिए मैंने, पानी इसका मैंने निचोड़ लिया है। आप भी इसी तरीके से पानी सुखा लें इसमें प्याज का, पानी ना हो तो। चलिए अब मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ईद के मौके पर बहुत खाते हैं तो सोचा मैं भी बना लूँ, आपको भी रेसिपी दे दूँ। बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार लगते हैं ये। तो फ्रेंड मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच बेसन ऐड कर लिया है जिससे कि खुशक हो जाए हमारा कीमा। आप इसमें चना का पाउडर भी ऐड कर सकते हो। और मैंने इसमें ऐड कर दिया है नमक, जिस नमक हमें लास्ट में डालना चाहिए जिससे कि हमारा प्याज जो डली हुई है कीमे में पानी ना छोड़ दें। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको अब तरीका बताऊँगी बनाने का। तो देखिए फ्रेंड मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक का पैन ले लिया है। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 3 से 4 बड़े चम्मच तेल, हम इसको बहुत अच्छे से गरम कर लेंगे। तो फ्रेंड तेल हमारा अच्छे से हो गया है गरम, मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो चलिए तो मैं बनाने वाली हूँ कबाब। तो मैंने ये इस तरीके की सीख ली है, आप कोई भी चीज़ ले सकते हो इस तरीके की। तो चलिए मैंने डंडी पे हल्का सा तेल लगा लिया है, थोड़ा सा अपने हाथ पे, तो मैं इस तरह से लूँगी ये। तो देखिए फ्रेंड मेरा कबाब रेडी है। अब मैं इसको हल्के हाथ से निकाल लूंगी। अब मैं इसी तरीके से सारे कबाब बना लूंगी। चलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए अब मैं दूसरा बना रही हूँ। आप जिस तरीके से मैं डंडी में है मेरा, आप इस तरह से भी सेक सकते हो डंडी समेत, और डंडी के बाहर भी निकाल कर सेक सकते हो। तो मैं डंडी से बाहर निकाल कर सेकूंगी। तो फ्रेंड मैंने इसी तरीके से सारे कबाब बना लिए हैं, आप भी इसी तरीके से बनाना मेरे स्टाइल से। तो चलिए अब हम तेल में डालने वाले हैं इन्हें। तो तेल हो गया हमारे बहुत अच्छे से ठंडा, थोड़ा सा निवाया रखना है हमें, एकदम हाई नहीं रखना गैस का फ्लेम, लो रखना है थोड़ा सा। आपको हल्के हाथ से उठाना है और ओवन में डाल देना है इसी तरीके से। तो फ्रेंड एक बार ज़रूर ट्राई करना मेरी रेसिपी को और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए फ्रेंड मैंने अपने कबाब ऐड कर दिए हैं, अब इसको हम एक तरफ से सेकेंगे अच्छे से, फिर दूसरी तरफ से पलट देंगे। तो फ्रेंड देखिए कितने अच्छे से पक रहे हैं और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो फ्रेंड हमारे एक तरफ से सिक गए हैं कबाब बहुत अच्छे से, हम हमें पलट देते हैं। इस तरह का सेकना है हमारा। तो फ्रेंड आप इस तरह से पकड़ के हल्के हाथ से इसको पलट दें। तो फ्रेंड देखिए मैंने इसको पलट दिए हैं सारे कबाब अपने, तो आपको ऐसे ही कलर रखना है। हमें अब इसको सेकना है दूसरी तरफ से, तो फिर मैं आपको परोस कर दिखाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड अब हम निकाल लेते हैं, हमारे कबाब तैयार हैं। फ्रेंड चलिए अब मैं निकाल कर दिखाती हूँ आपको हल्के हाथ से। तो चलिए मैं इसमें थोड़ी सी प्याज सजाने वाली हूँ अपने प्लेट में। थोड़ी सी अब हम इस पे हरे धनिए की और हरी मिर्च की चटनी साथ रखेंगे। आप परोसिए और गरम गरम खाइए, देखो कितने अच्छे कितने सॉफ्ट बने हैं।
बहुत ही लाजवाब बने हैं। तो फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और मुझे बहुत सारा प्यार दें। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के लिए।